हेलो दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो ई स्टाम्प की सर्विस पर आधारित है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा जो जनसेवा केंद्र होता है वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अभी तक ई स्टाम्प की सर्विस नहीं प्रोवाइड की गई है। सो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस तरीके से एक ई स्टाम्प की सर्विस को एक्टिवेट करेंगे, यानी कि आईडी पासवर्ड को क्रिएट करेंगे, और किस तरीके से आप उसमें अपना स्टाम्प पेपर निकालकर अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ई स्टाम्प की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको आईडी क्रिएट करने में कोई भी चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आपको 5 मिनट के अंदर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट हो जाती है और आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टैंपिंग का काम करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन ई स्टैंपिंग पेमेंट सिस्टम के यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक आईडी क्रिएट कर लेना है। जैसे कि हम डेमो के रूप में आपको आईडी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको आईडी क्रिएट कर लेना है। आईडी क्रिएट करने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर एक क्रिएट कर लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपको कन्फर्म पासवर्ड, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर भी दोबारा से एंटर कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि अगर कभी भी आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड आप भूल जाएं तो यहाँ पर आप उस क्वेश्चन को डालकर यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड यहाँ पर रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में उसका आंसर यहाँ पर हमको फिल कर देना है। जैसे हम उसका आंसर फिल करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे हमको यहाँ पर इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर देना है, यानी कि फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट नेम आपको फिल कर देना है, मेल है या फिर फीमेल है आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जितनी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना एंटर कर देना है, आपको एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट रूप से एंटर कर देना है। याद रखिए आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत ना हो, वरना आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिवेट नहीं होगी। यहाँ पर आपको अपनी सिटी जो है वो यहाँ पर लिख देनी है, यानी कि एंटर कर देनी है। पिन कोड अपना यहाँ पर फिल कर देना है, आपको स्टेट भी अपना यहाँ पर एंटर कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे हमारी ईमेल आईडी हमसे पूछी जा रही है। आपको इतना याद रखना है कि आपकी ईमेल आईडी भी गलत ना हो, बिल्कुल सही ईमेल आईडी आपको इसमें फिल कर देनी है, क्योंकि आपका जो एक्टिवेशन लिंक है वो आपकी ईमेल आईडी पर ही जाएगा। यहाँ पर ये फिल करने के बाद अगर आपके पास बैंक डिटेल है तो फिल कर सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर ये कैप्चर आपको दिख रहा होगा, इस कैप्चर को इसमें आपको फिल कर देना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा जो हमने फिल किया था उस पर एक ओटीपी जाएगी, आपको इसमें फिल कर देनी है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर एक देख रहे हैं कि यहाँ पर आप हमारे पास एक मेल आया हुआ है जिसमें आपको यूजर आईडी आपको दिख रही होगी। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है प्लीज एक्टिवेट दी ऑनलाइन एक्सेस फॉर योर यूजर आईडी बाय क्लिकिंग ऑन दिस यूजर आईडी एक्टिवेशन लिंक। यहाँ पर आपको ब्लू कलर में यूजर आईडी एक्टिवेशन लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब हमको फिर से होम पेज पर आना है, यहाँ पर आप साइन इन का ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको यूजर आईडी डाल देना है, जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था वो इसमें फिल कर देना है, ये कैप्चर आपको इसमें फिल कर देना है। उसके बाद में साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है ई स्टाम्पिंग पेमेंट सिस्टम की डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ई स्टाम्प निकालने के लिए आपको पे स्टाम्प ड्यूटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका स्टेट यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है, जो भी आपका स्टेट हो। जैसे ही सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर आपको सेल्फ प्रिंटिंग और ई स्टाम्पिंग सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर एफिडेविट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्टाम्पिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। व्यू ट्रांजेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो जितने भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे, जितने भी आप यहाँ पर एफिडेविट निकालेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप स्टॉक
होल्डिंग ब्रांच देख सकते हैं कितनी जगहों पर आपका जो ये पेमेंट सिस्टम है स्टैंपिंग का ये सिस्टम चल रहा है। तो इस तरीके से हमने बताया कि आप किस तरीके से अपनी ग्राम पंचायत या फिर अपने शहर में ई स्टाम्प का काम आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर अब भी आपको प्रिंट आउट निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, हम इसका बिल्कुल एक लाइव प्रूफ के साथ में आपको एक इसका स्टाम्प निकाल कर आपको वीडियो के रूप में दिखाएंगे। सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।